कोचिंग एसोसिएशन की ओर से भी हम सरकार के अभिनंदन करते हैं, एक बार जोरदार सभी अटेंड के सेमिनार पर भारी है। तो एक बार आप सभी हमारे लिए अपने लिए इतनी जोरदार ताली बजाएंगे को देखकर आप बेहद अच्छा लगा। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट बच्चे में आपको अगर आपको बताऊं, वो पॉजिटिव पॉइंट है जिस स्टूडेंट में पेशेंस आ गया ना उसको 100% सक्सेस मिलेगी, ये बात तय। और वो आप में है, आई थिंक 11 ऑफ लोग से आप लोग यहां हैं। सबसे पहले 8 बजे आ गए थे, तो सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि शायद हम लोग लेट थे। और एक बात छोटी सी जो मैं जिससे अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो लैंग्वेज इंग्लिश है, वो ये है कि मुझे एक बार ये बताएं बच्चे कि इंग्लिश किस किस की वीक है। अच्छा, ये आदत लेने से मैं लेके मूव करूंगा भाई, मैं आदत नहीं थोड़ा सा लेके एक जगह खड़े रहते देखा नहीं होगा ना कभी क्लास में। बच्चे इंग्लिश के बड़े सारे हाथ उठे कि नहीं ठीक है बच्चे में ये कह रहा था कि आप लोगों को लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपको पता है गलत बात है। मैं भी देख रहा था सर इंग्लिश में कुछ आपसे गल्ला कर रहे थे और आपको वो समझ आ रही थी नहीं आती। That means whenever someone is going to speak in English in front of you, you are going to understand each and everything. Doesn't matter how fast that particular person is going to speak. It really matters. Yes or no? Of course, dear. ये सब उनको बताने के लिए क्योंकि कई नेता सोचते हैं कि बिहार की इंग्लिश वीक है। मैंने बोला बिहार वो धरती है जो पसंद हिंदी सुनना करती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंग्लिश वीक है, क्योंकि उन्हें पता है इंग्लिश को इंग्लिश के औकात तक रखना बहुत जरूरी है, हमारी मातृभाषा से ऊपर कुछ नहीं। तो ये मुझे दूसरा आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा और बहुत बेहतर महसूस हुआ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात जो मुझे पहले करनी चाहिए थी, आप लोगों ने प्यार सम्मान जो प्रोडेंस कोचिंग सेंटर को दिया है, तहे दिल से आप लोगों का नमन है, इस धरती का नमन है जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इतने हजार किलोमीटर दूर बैठ के आपके गाइडलाइंस को कर सकें, आपको गाइडलाइन दे सकें और आप लोग इतने संयम से बैठ के पढ़ सकें। इसलिए मुझे याद आ रहा है आज तक मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्लास से कि बेगूसराय में ये बच्चा इस बेंच पर बैठ कर शोर कर रहा है, मैंने आज तक ये आपका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट था। मेरे पास मतलब बेगूसराय के लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इवन पूरे बिहार के लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ का ये है, जब भी यहाँ का बच्चा डाउट पूछता है ना
वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है। हमारे गुरुजी ने बात कही थी कि ये वो शिक्षक हैं जो रहते दिल्ली में हैं पर उनका दिल और ये कला भी आपकी है क्योंकि चाहकर भी दिल कोई देता नहीं कोई चुरा लेता है। तो प्यार के छात्र है जिन्होंने हमारा फिजिकल एपियरेंस मुखर्जी नगर में रखा हुआ है और हमारा दिल बिहार में। तो ये अगर आप कहो भाई कितने पॉजिटिव माइंड आप लोग सारे पॉजिटिव माइंड।